डॉक्टर्स तो पेशेंट से मंगवाते हैं सैनिटाइजर, कोरोना वार्ड में या आइसोलेशन वार्ड में अगर लगती है तो सभी की टर्न आनी चाहिए, सीनियर जूनियर का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सरकार तक हमारी ये मांग पहुंचाओ कि ठीक है आपने हमें प्रोबेशन पीरियड पे रखा है तो हमें सैलरी तो दो भाई। अमृतसर तो गुरु नानक देव हस्पताल विचों एक वड्डी खबर सामने आ रही है, जिस विच नर्सा वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। नर्सा वालों अस्पताल वाले ते इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो सीनियर ते जूनियर नर्सा दी कोरोना वार्ड दे विच ड्यूटी लाने वेले पार्शियलिटी करते ने। उन्हां दा कहना है कि सिर्फ जूनियर नर्सा दी ही कोरोना वार्ड ते आइसोलेशन वार्ड दे विच ड्यूटी लगाई जा रही है, ते हुण नर्सा वालों मंग कीती जा रही कि बदल बदल के सारियां नर्सा दीआं ड्यूटियां लगाईआं जाण। मेरा नाम दिलराज कौर है, हम यहाँ पे गुरु नानक हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं और हम पिछले साल रेगुलर हुए थे और हमें 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंडर रेगुलर किया गया है और हम चाहते हैं कि आज जो ये जो माहौल चल रहा है इसमें हम ये इनकार नहीं करें कि हमने काम नहीं करना, हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर स्टाफ नर्स की सिर्फ 1 वीक की ड्यूटी लगे वार्ड में, कोरोना वार्ड में या आइसोलेशन वार्ड में अगर लगती है तो सभी की टर्न आनी चाहिए, सीनियर जूनियर का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारे हॉस्पिटल में सीनियर्स की ड्यूटी नहीं लग रही, सिर्फ कॉल आती है तो काम करने के लिए तो जूनियर्स को आती है और जूनियर्स क्या ले रहे हैं सरकार से 7,000 रुपया, 7,000 में आप हमें बताओ कि हम अपने बच्चे पालेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, रेंट पे करेंगे और आपको पता है बसेस नहीं आ रही, बहुत सारे स्टाफ नर्सेज हैं जो खुद के व्हीकल लेके आ रहे हैं और एक दिन का 200-300 का तेल लग रहा है, तो इसमें आप मुझे कैलकुलेशन, सरकार तक हमारी ये मांग पहुंचाओ कि ठीक है आपने हमें प्रोबेशन पीरियड पे रखा है तो हमें सैलरी तो दो भाई, आप 90,000 और 7,000 का फर्क है, बहुत फर्क है, क्या करें हम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में काम कर रहे हैं तो इनको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि इनका हौसला अफजाई हो जाएगा, हौसला तो होना चाहिए ना बंदे में काम करने का भी, हमें मिल रहा है तो हम कर रहे हैं। 7,000 में तो एक दुकानदार नहीं है आज कोई भी रखता है ना बाहर अपने घर में काम वाला भी रखता है फुल टाइम जॉब करने के लिए तो वो भी 7,000 में नहीं रहते। क्या आपको मास्क और सैनिटाइजर सब कुछ मिल रहा है या नहीं? मैं बताती हूँ, लास्ट वीक हम अपनी वार्ड से इंडेंट बुक लेके गए थे सैनिटाइजर लेने के लिए और वो जो सैनिटाइजर दे रहा है बंदा उससे उसके साथ मेरी लड़ाई होती है, क्यों वो कहता आधा लीटर मिलेगा, 10 स्टाफ नर्सेस ठीक है उसके बाद 10 डॉक्टर, 20 बंदे आधा लीटर को क्या करेंगे, उसको मैंने बोला एक उसको मैंने बोला कि इसके साथ हम क्या काम चलाएंगे, वो बोलता है डॉक्टर्स तो पेशेंट से मंगवाते हैं सैनिटाइजर, तो ऐसा बाहर से तो सैनिटाइजर मिल ही नहीं रहा तो डॉक्टर कहाँ से मंगवा रहे,